Hey guys, welcome to our channel. My name is Absar and you are watching Technical Absar YouTube channel. तो guys, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने नॉर्मल WhatsApp के होम स्क्रीन को और उसके फ्रंट्स को, यहाँ तक कि आप उसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। और गाइज इसी तरीके की कई सारी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, तो आप एक बार जरूर से मेरे चैनल की सभी वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नॉर्मल व्हाट्सएप की, कि हम नॉर्मल व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के कलर को किस तरीके से चेंज करें, यहाँ तक कि हम इसके थीम को समझो हम किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो ऊपर जो आपको जो कलर दिख रहा है ये ग्रीन वाला, इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, सारी चीज़ें आती है मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि आप यहाँ पर जो आपको जो WhatsApp नाम दिख रहा है ये भी आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो कि नॉर्मल WhatsApp के अंदर पॉसिबल नहीं है, बट इस वीडियो को देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप एक Xiaomi यूज़र है, अगर आपके पास कोई Redmi का डिवाइस है, तो ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई दूसरे कंपनी का मोबाइल है तो आप उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है, मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, इसलिए मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप है, सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 डॉट में चलता हूँ और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो भी सारे नॉर्मल व्हाट्सएप के हैं। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग में आ जाएंगे और आप इसके ऐप इन्फो में अगर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल व्हाट्सएप ही है, हमने यहाँ पर कोई भी मोड APK को यूज़ नहीं किया है और ना ही हमने किसी GB व्हाट्सएप या व्हाट्सएप FM व्हाट्सएप को यूज़ किया है। और वैसे इस वीडियो के अंदर हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी यूज़ नहीं करेंगे, बस हम हमारे मोबाइल की मदद से ही इस काम को यहाँ पर करने वाले हैं, हम अपने व्हाट्सएप के UI को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में चलता हूँ और आपको और भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हमारे पास जो व्हाट्सएप है वो अभी नॉर्मल व्हाट्सएप ही है, दूसरा व्हाट्सएप नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन किया बीटा वर्जन और यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया और डायरेक्टली मेरा ये व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो चुका है। चलो ये तो हो गई इसकी बातें, मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि ये चीज़ समझाना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, अदरवाइज ये आपको बाद में दिक्कत दे सकती थी। अगर आप Xiaomi यूज़र है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है इसके UI को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप मेरे मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं कि मेरी पूरी जो एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर आइकॉन चेंज है, इसका कलर्स चेंज है, सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज है। तो इसी पर ये बेस है आज की वीडियो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखता है एक ऑप्शन जो कि यहाँ पर थीम का है आपके मोबाइल के अंदर, अगर आपके पास में रेडमी का मोबाइल है तो आपको इस तरीके का यहाँ पर थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है। अदरवाइज यहाँ पर नीचे आपको जो 3 जो बटन दिख रही है, आप यहाँ पर रिसेंट टैब वाले बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें से आपको वॉलपेपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थीम्स वाला एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ऊपर ही आपको जो दिख रही है ये रमजान मुबारक, और उसके बाद यहाँ पर कई सारे आपको और भी थीम्स देखने को मिल जाती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर रमजान मुबारक में की एक थीम को ओपन करना है। यहाँ पर सिंपली आप इसको ओपन करेंगे और गाइस ओपन करने के बाद मैं भी सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी थीम डाउनलोड करना है, जिसके बाद ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये जो थीम जो दिख रही है जिसका नाम यहाँ पर है बरखा बुलान, और आपको सिंपली इस थीम को डाउनलोड करना है और इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई ना हो, मतलब इसकी इमेज वगैरह, तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसका आप यहाँ पर होम स्क्रीन वाला फोटो भी चेंज कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन वाला भी फोटो चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा हमने यहाँ पर अपने जो थीम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। जब तक यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन लोड हो जाएंगी मैं तब तक आपको और भी इसकी कुछ चीज़ें बता दूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 3D के अंदर सारी चीज़ें हैं, 3D के अंदर ही आपको इसका वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, साथ ही में आपके नेविगेशन जो बटन है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। और ऊपर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके जो आइकॉन्स है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। और आप जब इसको नीचे अगर स्लाइड करेंगे तो आपका यहाँ का भी UI चेंज हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी पूरी एप्लीकेशन का भी UI चेंज हो जाता है। तो अब मैं सिंपली अपने WhatsApp को ओपन करता हूँ और WhatsApp को ओपन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि एकदम मैजिक हो जाता है, यहाँ पर सारी जो चीज़ें वो चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल WhatsApp यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, आपका बैकग्राउंड व्हाइट,
कलर यहाँ पर ब्लू, उसके बाद यहाँ पर भी आपको ऊपर भी ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर व्हाट्सएप की जगह पर आपको रमजान मुबारक दिखेगा या फिर आपको कोई दूसरा नाम दिखेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रमजान मुबारक लिखा हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी किसी भी चैट को ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर उसका भी जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नॉर्मल व्हाट्सएप ही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो माइक का जो आइकॉन है वो भी यहाँ पर चेंज है, सारी चीजें आपके यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज है और ऊपर की जो डिजाइन है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज है। तो गाइस यहाँ पर और भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने प्ले स्टोर पर गया, व्हाट्सएप को ओपन किया और यहाँ से अब मैं प्ले स्टोर से अपने व्हाट्सएप को ओपन करूंगा और मेरे पास डायरेक्टली ये व्हाट्सएप ओपन होगा। तो गाइस ये ट्रिक आप लोगों को अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप के यूआई को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा इसको अगर चेंज करना है तो जितनी वहां पर थीम्स है आप उसको चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी और भी थीम में आपको कुछ देखने को मिल जाए, बट मुझे भी एक थीम देखने को मिला है, मुझे लगा कि एक ट्रिक काफी कमाल की है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।